तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोहन मिश्रा ब्लॉग में। और आज 26 दिसंबर का दिन है और करीब मैंने जुलाई की तरफ बोला था कि जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। पर उन एग्ज़ाम के बाद हुआ कुछ ऐसा कि मुझे पता था कि मैं फेल होने वाला हूँ। मेरा मैथ का पेपर कुछ खास नहीं गया था तो मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा यूट्यूब स्टार्ट करूँ, घर वाले तोड़ देते। तो इसलिए फिर मैंने कहा ध्यान लगा करके पहले एग्ज़ाम ही निकाल लेते हैं। तो फिर जो मैथ में फेल हुआ था उसका एग्ज़ाम अभी दिसंबर में हुआ है और अभी दिसंबर में 19 तारीख को जाके उसके एग्ज़ाम खत्म हुए हैं। सीए फाउंडेशन के सारे एग्ज़ाम हुए हैं और इस बार मुझे हाँ लग रहा है कि मैथ में निकल जाऊंगा, अच्छा खासा पेपर गया है मेरा। तो उसी में फिर 5-6 दिन चिल गया और अब जाके जब पिछले चैनल पे मैंने परसों वीडियो डाली थी तो उसका अब सोच रहा हूँ कि इस चैनल पे भी एक वीडियो बना ही लेते हैं। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज 26 दिसंबर है, क्रिसमस का अगला दिन, बॉक्सिंग डे। तो बाहर बहुत ठंड हो रही है तो कुछ काम तो है नहीं, अब पेपर ख़त्म हो गए हैं, चिल कर रहे हैं। तो बस सुबह सोते सोते सो के उठे, उठ तो 7 बजे उठ गया था पर भाई आलस करते करते अभी उठा, चाय पी, फिर लेटा, फिर उठा, फिर ऊपर गया, बाहर गया, नीचे गया, दुकान में गया, आग से की, इतना सब करते करते मतलब कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया। पर ऐसे फालतू के काम करते करते अभी 1 बज गया है। और अब आज का था कि आज मुझे बस बाल कटा के आने थे, इतना काम था मेरा आज का टारगेट और वो भी अभी नहीं हुआ, 1 बजने वाला है। भाई साहब ये सर्दियाँ इतना आलसी कर देती है ना, पूरा भालू बना देती है। मतलब जाओ बिल में सो जाओ और सर्दी भर बस मस्त अपना बिस्तर में बैठे रहो, सर्दी को बाहर निकलो यार। कितनी मस्त जिंदगी होती है ना भालुओं की, अपना पूरी सर्दी वो अपने गुफा में रहते हैं और बस गर्मी में निकलते हैं काम करते हैं यार, ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए बस। खैर चलो, अभी तो अब जब उठ गए हैं तो लेटे लेटे बहुत ज़्यादा देर हो गई, गिल्ट फील होने लगा कि हाँ चलो उठ जाते हैं और बाल कटा के आते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं कि हाँ आगे क्या सीन है। होता है ये ब्लॉग व्लॉग बहुत देखा है, लोग बहुत पीनट बटर खाते हैं तो मैंने खा के देखा और भाई साहब मेरे को ऐसी लत लगी कि अब तो इनके बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। मतलब ये सनड्रॉप का, ये सनड्रॉप का जो पीनट बटर आता है स्पेशली सनड्रॉप का क्रंची वाला, ये क्रीमी तो मैंने पहली बार मंगाया इस बार ट्राई करने के लिए, लेकिन इससे पहले कम से कम 4-5 डब्बे मंगा चुका हूँ मैं जो क्रंची के ही थे। और भाई साहब क्या एडिक्टिव चीज़ है ये 3 डब्बे ये हैं और जो खोड़ा में जो घर है उसमें भी भाई साहब 5-6 डब्बे पड़े होंगे अब तो, इनमें ही दाल मिर्च सब इनमें रखा जाता खाली कर करके। और ये जब मैं इस बार इसको ऑर्डर करा तो मेरे को ये फ्लिपकार्ट पे दिखा, ये योगा बार, ये भाई साहब काफ़ी महंगा ब्रांड है ये, मतलब 100% नेचुरल बोल बोल काफ़ी महंगा बेचते हैं। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं अब, क्योंकि ये नया ब्रांड है मैंने कभी आज तक ट्राई नहीं किया और इसका 1 किलो का डब्बा मिल रहा था मेरे को 450 का और ये आ जाता है 285 रुपये का। तो ये ट्राई टेस्टेड भी है, सेंड्रो भी तो बचपन से देखते आ रहे हैं तो मैंने सोचा चलो इसको एक बार मंगा के देखते हैं। ये मेरे को एक अकेले में 150 का पड़ रहा था और एक साथ मिलाया तो ये 280-270 के दोनों पड़ गए, तो मैंने दोनों ही लपेट लिए। अब अगर आपको जानना है कि इनमें से कौन सा अच्छा है, और मैंने और भी बहुत सारे वो ट्राई कर रखे हैं पीनट बटर, फन फूड्स का हो गया, इसका क्रंची हो गया इसका, और ये योगा बार का तो चलो पहला है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, इसका भी चलो ट्राई करके बता दूंगा मैं। तो अगर आपको चाहिए, अगर आप पीनट बटर खाते हैं तो कमेंट करना, बता दूंगा कि आपको कौन सा पीनट बटर लेना चाहिए। पर हाँ बजट में तो भाई सनड्रॉप बेस्ट है, इतना मैं अभी गारंटी से कह सकता हूँ। और ये है वो फन फूड्स का जो खाली हो गया, अब इसको धोया गया है, इसमें दाल या कुछ नमक वगैरह जाएगा, तो हाँ ये वाला भी अच्छा था काफ़ी। तो चलो अगर ये सब बातें करेंगे तो बातें करते करते पूरा दिन निकल जाएगा। जुलाई से लेकर के अभी तक 4-5 महीनों का अपडेट मैं एक वीडियो में तो दूंगा नहीं, धीरे धीरे बताऊंगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो हाँ, और मैं अभी जॉब छोड़ दी मैंने, वो जो दूध की डिलीवरी करता था सुबह सुबह वाली जॉब भी छोड़ दी मैंने, अब मैं परमानेंट इधर ही रहने लगा हूँ, जो भी मेरा घर बन रहा था, जो मैं जब उस टाइम ब्लॉग करा करता तो मैं खोड़ा से बनाया करता था और यहाँ कभी कभार आया करता था, अब मैं यहाँ से ब्लॉगिंग करूँगा और खोड़ा कभी कभार जाया करूँगा। चलो बाल कटाने चलते हैं। और यार ब्लॉगर तो होनी क्या, मैं जाऊँ नाई की दुकान पर जाकर दिखाऊँ, पर मैं कोशिश करूँगा यार कि हो जाए, मतलब बहुत डर लगता है। और मुझे ज़रा आप ये बताना कि ये वाला एंगल ठीक है कि, मतलब वो पहले मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं पूरी वीडियो शूट करके और जब देख रहा हूँ तो एकदम चेहरा घुसा जा रहा है उसमें, तो बताना आप मुझे कि ये वाला एंगल ठीक है या पहले वाला ठीक था। वैसे जैसे मेरी शक्ल तो ये वाला एंगल ठीक होना चाहिए कि दूर से, हाँ दूर से बात करो, दूर से बच्चे डर जाएंगे यार। सुमित जो कभी कहार अगर मैं वीडियो नहीं बनाया करूँगा तो ये बनाया करेगा, अगर मैं पढ़ता पढ़ता रहा तो अब समझ रहे हो फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तो उसका इंटर आएगा। इंटर भाई साहब जो सीए स्टूडेंट हैं वो समझ सकते हैं भाई साहब इंटर का क्या खौफ होता है, और मैं इंटर के टाइम पर रिस्क ले रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो, पछताना ना पड़े बाद में। ये है आदि, आदि का भाई आयुष नाम है ना इसका, यह आयुष, ये हमें रास्ता बता रहा है कि नई की दुकान कहाँ है, इसका भी हम टकला करा देंगे आज, ठीक है ना। हाँ पूरे जो उसके बाल दिख रहे हैं सारे साफ करा देंगे सारे। अरे ये तो ये रही दुकान। तो जैसे कि मोहन भैया गए हैं नाई की दुकान पे और उस पर लग रही थी बहुत ज़्यादा भीड़, तो उन्होंने मोहन भैया का नंबर ले लिया और बोला मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो अब भाई घर जा रहे हैं फिर से, तो कॉल करके बुलाएगा हमें तो हम जाएंगे। बच्चे को लेके जा रहे हैं, देखो जैसे बच्चा लेके गया था वैसे बच्चे को ये लेके जा रहे हैं हम।
अब देखो बस घर देखभाल भूल ना जाए, वो भी उनके पास भी बहुत सारे कस्टमर थे, उनको कमी तो पड़ेगी नहीं, एक बंदा नहीं आएगा तो। बस कर दे यार, मैं नहाने को बैठा हूँ। और यार ये पापा आए हुए हैं आज घर पे, जब पापा आते हैं तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि बिना नहाए खाना नहीं मिलता। तब एक दो बज गया है, तब भूख लग रही है यार, खाने को दो कुछ। मतलब इतनी ठंड पड़ रही है बाहर, नहाना जरूरी है क्या? सारा पानी हम खर्च कर देंगे, हमें पानी नहीं बचाना अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, वो प्यासे रहेगी क्या? नहीं, कोई समझता नहीं। अगर कोई बंदा नहीं नहा रहा है, अगर मैं कहीं जाऊं तब नहाना हो तो मैं समझता हूं। अब यार मेरे को कहीं जाना नहीं है, अभी घर पे मेरे को पड़े पड़े बिस्तर गर्म करना है, तो फिर मैं नहाने का क्या मतलब है? मतलब जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं गंदा फील कर रहा हूं, जब मुझे खुद मन होगा तो मैं खुद नहा लूंगा दो तीन दिन में। पर नहीं यार, बिना नहाए खाना नहीं मिलेगा। अगर बात खाने की ना हो ना, और ये पेट की ना हो, तो मैं ना नहाऊं भाई इतनी ठंड देख करके। यहाँ अगर तुमको पता नहीं लग रहा तो यहाँ सच में बहुत ज़्यादा ठंड है, थोड़ा ये खुला इलाका है ना, तो कुछ ज़्यादा ठंड है, कुछ ज़्यादा हवा लगती है भाई। अभी का अपडेट ये है कि जब मैं 1 बजे वो नाई की दुकान से आया था, उसके बाद आकर के मैं अतरंगी रे मूवी देखने लगा था, और अपने जो रिव्यू वाला चैनल है उसके लिए वीडियो बनाने लगा था। उसके लिए वीडियो बनाते बनाते अब मेरे को इतनी देर हो गई है, अब फटाफट मतलब अभी 6:30 करीब कुछ हो रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, तो फटाफट उस वीडियो को एडिट करना है, उसको डालना है। और उसका फ़ोन भी आया था मुझे बीच में, जब मैं वीडियो बना रहा था तब मुझे नाई का फ़ोन आया था, 5 बजे की तरफ फ़ोन आया था, तब इतनी हिम्मत है नहीं मेरे में कि 5 बजे ना हूँ, बस बाल भी नहीं कट पाए, ये प्रोग्राम भी कल ही हो पाएगा। देख रहे हो सर्दियाँ कैसी होती हैं, एक छोटा सा काम नहीं हो पाया, और सुनना अभी एक प्रोग्राम हो रहा है तो उसकी वजह से लगातार 100 रुपये जा रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा आगे मैं कोई वीडियो बना पाऊँगा। तो बस हाँ, इतने महीनों बाद ये एक छोटा सा अपडेट समझ लेना मेरी तरफ से, और इसको मैं डालता हूँ, देखता हूँ। इसके बाद कल से शुरू करूँगा कि थोड़े बड़े बड़े ब्लॉग बनाऊँ या फिर कुछ करने की कोशिश करता हूँ। आज तो भाई सब कुछ भी नहीं हो पाया, पूरा संडे बेकार, बस सोने में और बैठे निकल गया। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का अपना ये छोटा सा ब्लॉग, जो कि बस एक इंट्रोडक्शन सा था कि हाँ मैं इतने महीनों से वीडियो नहीं डाल रहा था तो सोचा कुछ डाल दूँ। तो बस हाँ, इसमें यही खत्म करते हैं, और कोशिश करूँगा कि कल से थोड़ा बड़े वीडियो बनाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद, ये क्या ही पसंद आया होगा, मतलब ये वीडियो अगर आपने देखा तो लाइक कर दो, ऐसे लाइक कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कल से कोशिश करता हूँ कि थोड़े रेगुलर ब्लॉग आएँ, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में।